हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि अभी एआईबी एग्जाम्स 16 ही कंडक्ट हुआ है, अभी 17 अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है एआईबी 17 का कि एग्ज़ाम कब होगा, आप सब यूजर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि एआईबी 17 एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्योंकि एआईबी 17 का जो लेटेस्ट अपडेट यही है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस समय क्या वहाँ पे क्या चल रहा है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे और हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि अभी कोई ऑल इंडिया बार का जो 16 का है वो पुराना अपडेट था, जो कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था 31 जनवरी 2021, उसके बाद से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ 17 का जो इस तरफ कॉर्नर में है। अभी तक तो कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो न्यूज है एआईबी न्यूज में, उसमें हम लोग न्यूज कॉलम पे जाएंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट ये दिखाया गया है कि जो उसका जो सिलेबस था एआईबी 17 का वो दिखाया गया है, और वो एआईबी 17 का जो सिलेबस है वो अभी केवल अपलोड है और अभी तक उसमें कोई भी लेटेस्ट ये नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना है कि क्या उसकी तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि अगर मेरा मानना ये है कि एआईबी 17 का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एआईबी 17 का एग्ज़ाम होने का मेन रीज़न ये है कि जो नए नए एडवोकेट्स हो रहे हैं उनका एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस वाइज उनका कैलकुलेट हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो सिलेबस आया था वो 17 अगस्त 2022 का है, और जो 17 अगस्त 2022 का है उसमें ये बस केवल यही बताया गया है कि इसका एआईबी 17 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट तो अभी इसमें नहीं शो कर रहा है और ना ही अभी तक आया है। तो अगर कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा और आप लोग इस चैनल के माध्यम से उसको जानेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।